तो मैं आज आपको क्लोट्रिम सॉल्यूशन के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्लोट्रिम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्लोट्रिमाजोल टॉपिकल सॉल्यूशन है। ये एक 20 ml का सॉल्यूशन है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो ज़ाफा फार्मास्यूटिकल्स है। ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोटिक ड्रग है विथ फंगीसाइडल एक्शन, यानी कि ये जो है फंगल इन्फेक्शन को किल करती है, यानी कि जो फंजाई से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ये ख़त्म कर देती है, यानी एज अ फंगीसाइडल एक्टिविटी रखती है, यानी कि किल कर देती है फंगस को। और अगर देखें इसके अलावा कि कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है खासतौर जिसमें ये यूज़ होती है, तो ये सबसे ज़्यादा एथलीट फुट जो होती है बीमारी जो हमारे पैरों के अंदर हो जाती है उसको ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा रिंग वॉर्म अगर हो जाए तो उसको भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा अगर फंगल नेल इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि हमारे जो नाखूनों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए फंगस का, तो उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो नैपी रैशेज़ वगैरह आ जाती हैं उनको भी ये ट्रीट करते हैं, यानी कि अगर उससे इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रैशेज़ वगैरह हो जाए तो इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोटिक ड्रग है, यानी कि ये जो है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये काफ़ी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। लेकिन इसमें आपने हमेशा ख्याल रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। ये एक एंटी फंगल एजेंट है, ठीक है, कि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और जो दूसरे वायरल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने में नहीं यूज़ हो रहा था, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्नोस करवाना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आया वो फंगल है, वायरल है, बैक्टीरियल है या नहीं। अगर बैक्टीरियल होगा तो आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, और अगर वायरल है तो वायरल के लिए आपको एंटीवायरल ड्रग्स देनी होंगी, और अगर फंगल है तो उसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन चाहिए होंगे आपको, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, आपने पहले अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट करना है, फिर इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के पर्पसेस के लिए आपको बता रहे हैं कि आप गलत तरीके से ना यूज़ कर लें कि शायद उसको भी ट्रीट करने में यूज़ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये कि चूंकि ये जो है एक एंटी फंगल मेडिसन है तो इसका आपको कुछ दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया होगा, तो उन दिनों को आपने पूरा इसके डोज स्किप नहीं करना और सही से यूज़ करना है। अगर आप इसको सही से नहीं यूज़ करेंगे तो आपका जो इन्फेक्शन है हो सकता है कि वो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाए, फिर उस पर ये दवाई असर नहीं करेगी, फिर आपको हो सकता है इससे हैवी वाली यूज़ करनी पड़े जो कि महंगी भी होगी और उसके अलग साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, इसकी कोशिश करें कि पूरा यूज़ करें और सही से यूज़ करें जिस तरह आपको बताया गया। और इसके अगर आपने साइड इफेक्ट्स देखने तो साइड इफेक्ट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी मज़ीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस, यानी कि स्किन मेडिसिन के साथ इसके इंट्रैक्शंस होते हैं, और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और इसको क्या प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको अपने फिजिशियन के कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई सवाल करना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।